आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की आयोजित होने वाली इंग्लिश पेपर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। जब परीक्षार्थी अपने केंद्रों पर पहुंचे तो उन्होंने पेपर रद्द होने की सूचना मिली, जिसके बाद परीक्षार्थी निराश हो गए। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि बलिया में पेपर लीक हुआ था और बलिया समेत आजमगढ़ और 24 जिलों में एक ही QR कोड था, इसलिए 24 जिलों में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पेपर रद्द करने के निर्देश दिए। मेरा नाम वैष्णवी तिवारी है। हम 35 किलोमीटर दूर आए सिर्फ अपना एग्जाम देने के लिए, और यहाँ स्कूल आने के बाद हमें पता चला कि हमारा एग्जाम नहीं होगा, हमारा एग्जाम निरस्त हो गया है। तो फिर हमें अब एग्जाम तैयारी करने को भी मिल जाएगा, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारी से आए थे एग्जाम देने के लिए, फिर भी हमारा एग्जाम नहीं हुआ। मैं लगभग 40 किलोमीटर दूर से आई हूँ पेपर देने। इतना बुरा लग रहा है कि हम लोग का पेपर निरस्त हो गया। इतनी तैयारी के साथ आए थे, अभी फिर पता नहीं कैसा पेपर होगा कि नहीं होगा, इस वजह से बहुत बुरा लग रहा है। हमारा नाम सलोनी विश्वकर्मा है। हमें पता नहीं था, हम जब घर से निकले जब यहाँ पे आए तो हमें पता चला पेपर निरस्त हो गया। एक पुलिस वाले अंकल थे तो वो बोले पेपर निरस्त हो गया, आप लोग घर जाइए। और हम आए थे बहुत तैयारी के साथ, लेकिन अब निरस्त हो गया तो हम भी निराश है, क्योंकि अब कम टाइम में कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, तो डर भी है और थोड़ा और तैयारी करने का मौका भी मिल गया। पेपर एक्चुअल में जो मामला है वो ये है कि बलिया में अंग्रेजी का पेपर निरस्त हो गया। जो QR कोड बलिया के लिए आवंटित था वही QR कोड अन्य जनपदों में, यानी कि 24 जनपदों में वही QR कोड भेजा गया था। तो जिन जिन जनपदों में वही कोड जो बलिया में है वो गया है, उन सारे जनपदों की, ऐसी 24 जनपद हैं, उन सब की परीक्षा को निरस्त कर। यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त हो गई। बता दें कि यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से होनी थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो गया और बाजार में 500 रुपए में बिक रहा था, जिसके बाद DM ने अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त कर दी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जांच के आदेश दिए हैं। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द की गई। अंग्रेजी के पेपर लीक हो जाने के बाद यूपी के 24 जिलों में परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सेंटर पर पहुंचने के बाद पता चला कि उनकी अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब ऐसे में ये बच्चे मायूस हो गए और कहा, हमने बड़ी मेहनत की थी, रात भर जाग कर तैयारी की थी और हमारे पूरे तैयारी पर पानी फिर गया। आज इंग्लिश की परीक्षा थी, ठीक है, और हम सुबह आराम से अपना मतलब सब स्टडी करके आए थे। सर कल रात को भी काफ़ी मेहनत किया, लास्ट में मतलब सब रिवीजन कर लिया। उसके बाद सुबह मैंने कई सारे मॉडल पेपर भी लगाए, उसके बाद मैं यहाँ पे आया। फिर मतलब मेरा पूरा अप्रोच था कि मतलब पूरा माइंड मेकअप कर लेते कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और मतलब बहुत अच्छी तैयारी के साथ आया था। मतलब इस बार मैं मतलब एकदम कॉन्फिडेंट था कि स्कोर तो 95+ करना ही करना है, लेकिन जैसे सेंटर पर आया मतलब मैं भी अपनी सीट पर बैठ गया था शांति से, मतलब अपना जो भी हो सके रिविज़न कर रहा था, क्वेश्चन पेपर का वेट कर रहा था। तब तक बच्चों का हल्ला शुरू हुआ, तो बाहर गया मैं तो पता चला कि बच्चे चिल्ला रहे पेपर लीक हो गया। मुझे लगा वैसे ही मस्ती कर रहे हैं, लेकिन फिर जब मतलब बाद में सर लोग ने कहा कि अब आप लोग वापस हो जाइए, पेपर लीक हो गया, मतलब हम लोग काफ़ी अपसेट थे। खबर उन्नाव से है, जहां इंटरमीडिएट कक्षा का अंग्रेजी का पेपर कैंसिल हो गया। पेपर कैंसिल होने की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग, विद्यालयों और छात्र छात्राओं में हड़कंप मच गया। वहीं पेपर कैंसिल होने की मायूसी विद्यार्थियों के चेहरे पर साफ नजर आई। विद्यार्थियों का कहना है कि हम मेहनत करके पेपर की तैयारी करते हैं और एंड वक्त पर पेपर कैंसिल हो सकता है। हालांकि दोबारा पेपर कब होगा अब इसकी जानकारी भी सामने आ चुकी है। 13 अप्रैल को अब पेपर कराया जाएगा। आज इंग्लिश का पेपर है और मुझे सर ने बताया कि केंद्र पर पहुंचे तो सर ने बताया कि आज आपका पेपर लीक हो गया, इसलिए 24 जिलों का पेपर रद्द कर दिया गया है, इसलिए कृपया आप घर जाएं और अगले पेपर की तैयारी करें। मुझे गलत महसूस हो रहा है क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए हमें आगे तैयारी करने के लिए समय तो मिल गया, लेकिन ये परीक्षा दोबारा होगी तो दिक्कतें कुछ आएंगी, आने जाने की दिक्कतें होंगी और तैयारी भी कम हो पाएगी। रद्द हो गया है तो आगे और भी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, ये नहीं पता है क्यों रद्द हुआ है पेपर, इसकी कोई हमें जानकारी अभी तक नहीं मिली है, ना सर ने बताया ना किसी और ने बताया, खाली ये लगातार मेहनत कर रहे थे। जी जी, मेहनत के बाद आज पेपर रद्द हुआ, क्या लगता है कैसा महसूस हो रहा है?
सर एक तरफ तो अच्छा भी महसूस हो रहा है और एक तरफ बुरा ही महसूस हो रहा है क्योंकि आगे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर लगे हैं, इसलिए ये परीक्षाएं सचिव महोदय के आदेश आए कि जनपद चुनाव में जो द्वितीय पाली में अंग्रेजी की परीक्षा होनी थी यार इसको न लिया जाए, ये निरस्त कर दी गई है। और हमारे यहाँ करीब 28,000 बच्चे इसमें सम्मिलित होने वाले थे और ये हर परीक्षा केंद्र को मैंने निर्देश दे दिया है कि परीक्षाएं आज न ली जाए। हमारे 119 केंद्रों पर ये परीक्षा होनी थी। अब आगे का क्या है, कब तक की कोई गाइडलाइन? आगे अब जो सरकार बोर्ड द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन ये परीक्षा इसी क्रम में कोई तिथि निर्धारित होगी उसे मिली जाए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। बता दें कि उन्होंने यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ा था जिसमें उन्हें जीत मिली थी। इससे पहले शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। उनका कहना था कि उन्हें इस बैठक में नहीं बुलाया गया था। खबर गोरखपुर से है जहां एसएसबी के जवानों ने कंपोजिट हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर डीआईजी एबी दास ने जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ब्लड डोनेट करने से किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लोगों के डर को खत्म करने के लिए जवानों ने ब्लड डोनेट किया है, जरूरत पड़ने पर हम जवानों के साथ आम लोगों को भी ब्लड उपलब्ध कराते हैं। डॉक्टर राजेश कुमार राय इंचार्ज पैथोलॉजी इंचार्ज ऑफ ब्लड बैंक बीआरटी मेडिकल कॉलेज एंड हिज टीम देखिए आज यहाँ पर ये गोरखपुर में आए थे। यहाँ पर आज हम लोग के ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया। मेरा और मेरा टीम का डॉक्टर मनोज कुमार बोरा पैथोलॉजिस्ट ट्राइसी मेडिकल सीज गोरखपुर, डॉक्टर काजमी कमांडेंट मेडिकल एंड अदर स्टाफ सब मिल के हम लोग एक कैंप ऑर्गेनाइज कराए। इसमें सीएच गोरखपुर का पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स और आरटीसी गोरखपुर सेक्टर हेडक्वार्टर गोरखपुर और अंडर कमांड यूनिट सेक्टर हेडक्वार्टर गोरखपुर से। कानपुर कमिश्नरेट को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि एक शिक्षिका से पर्स और मोबाइल लूट के मामले में आधा दर्जन लुटेरों को 2 बाइक और 14 मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया है। वहीं पकड़े गए लुटेरों में 4 नाबालिग और 2 बालिग हैं। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लुटेरे सुनसान जगह पर लूट की घटना को अंजाम देते हैं और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। देखिए पिछले कुछ दिन पहले आप एक वीडियो वायरल हुई थी पंखी थाना क्षेत्र में, 2 बाइक सवार एक महिला के हाथ में फ़ोन छीन के भाग रहे थे और महिला नीचे गिर भी गई थी, तो उसी पे हम लोगों ने कार्रवाई किया। पूरा पंखी थाना और हमारे सर्वेलेंस टीम सभी ने काम करके इसमें करीब जो उस दिन जो वारदात की है, तीन जो हमारे वीडियो में दिख रहे हैं वो 3 लोग हैं। इनके नाम हैं ईशान, मानस और गोविंद। 6 मोबाइल बरामद किए और 1 होंडा डीलक्स बाइक भी बरामद की है और इनके ऊपर 2 मुकदमा लिखा हुआ है, 1 कल्याणपुर में भी है और 1 पंखी में भी है। खबर देवरिया से है जहां राज्य मंत्री ग्राम विकास विजय लक्ष्मी गौतम का विधानसभा सलीमपुर में पहली बार आगमन पर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान मुसैला चौराहे पर भाजपा नेता अजय दुबे, वत्स और रविशंकर मिश्र के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रशासन ने शिक्षा माफिया में कुशवाहा पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। आपको बता दें कि 2016 में सदर कोतवाली में सामूहिक नकल कराने के संबंध में गैंगस्टर एक्ट की धारा के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए भूमि कुर्क के आदेश दिए गए थे। संपत्ति कुर्क के समय सदर एसडीएम और सदर सीओ के साथ भारी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद रही। ये देखिए, ये अभियुक्त महेंद्र सिंह कुशवाहा के खिलाफ थाना कोतवाली में वर्ष 2016 में सामूहिक नकल कराने के संबंध में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में चार्जशीट लगकर ये न्यायालय में दाखिल हुआ जो अब विचाराधीन है। इसी मुकदमे में जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत आज जो ये भूमि है, इस भूमि की कुर्की आदेश जारी किए गए। ये अभियुक्त महेंद्र सिंह कुशवाहा पुत्र वंशी सिंह कुशवाहा रघुनाथपुर छावनी लाइन के रहने वाले हैं। 2016 में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था थाना कोतवाली में, उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। ये लगभग 202 एयर जमीन है
और ये शिक्षा माफिया थे और जिलाधिकारी महोदय ने। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हाथ में झाड़ू लिए विद्यालय में सफाई करते दिख रहे हैं। इस दौरान सफाई कर रहे बच्चों से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैडम ने कहा है कि जब तक सफाई कर्मचारी नहीं आता तब तक बच्चों को ही विद्यालय में झाड़ू लगाना पड़ेगा। बता दें कि ये पूरा मामला कुनेठा गाँव के प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। बहन जी क्या बजे आती हैं? 10 बजे। तो 10 बजे क्यों आती, कहते नहीं हो तुम लोग के बहन जी 9 बजे का स्कूल है? काम करती हैं। 10 बजे आती हैं और स्कूल में झाड़ू वाड़ू दीदी अम्मा लगा देती कम कम। तुम आज किसका नंबर था लगाने का? आज दीदी मना कर दी। अच्छा आज मना कर दिया है। अच्छा क्या काम है हमने? सफाई कर्मचारी ना। अच्छा तुम लगाइयो तब तक। अच्छा इसलिए लगा रहे थे तुम। अच्छा आज तुमने लगाया, कल कौन लगाएगा? श्रावस्ती में तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि भिनगा बहराइच मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को टक्कर मार दी है। वहीं युवक की मौके पर ही मौत हो गई और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी ड्राइवर को ट्रक समेत मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जी तेज रफ्तार से ट्रक आ रही थी बहराइच की ओर से इनका की तरफ और रफ्तार की ट्रक थी और हमारे भाई निकले घर से और सीधा चढ़ा दिया। ट्रक वाले को पकड़ा गया? हाँ जी पकड़ा गया। थाने में तहरीर दिए? जी तहरीर दिए हैं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अब जी कर रही है, तहरीर हम देकर आए हैं। कौन से गांव का मामला है? लक्ष्मण नगर। खबर अलीगढ़ से है जहां ग्रामीणों की जमीन कब्जा करने के मामले सामने आया है और बताया जा रहा है कि भाजपा युवक मोर्चा अध्यक्ष धर्मवीर लोधी ने गांव की जमीन पर कब्जा करके रखा है जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। वहीं आपको बता दें कि सपा नेता अज्जू के नेतृत्व में ग्रामीण वालों ने एडीएम सिटी से मुलाकात कर घटना से अवगत कराया। पुलिस का कहना है कि जमीन गांव वालों के नाम आवंटित है, यदि उस पर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तो कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए हम लोग यहां पे इसलिए आए हैं कि जिस दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर ये भाजपा की सरकार आई है तब से भू माफियाओं का आतंक सा फैल गया है। भाजपा का कार्यकर्ता खुद आतंकी जो है वो हो गया है और जो है वो जमीनों पर कब्जे करता फिर रहा है। अब ये कोई इनका नेता है भाजपा का धर्मवीर लोधी नाम का जो अपने को भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी कहता है और उसका ये कहना है कि इसने भाजपा में पद पाने के लिए लाखों रुपए खर्च करें तो कमाएगा कहाँ से। और इन्हीं तथ्यों के बाद अफसोस की बात यह है कि एडीएम सिटी साहब के ये देखिए कागज़ हैं, वो कहाँ हैं कागज़ एडीएम सिटी वाले रिश्ते वाले नहीं एडीएम सिटी साहब का ऑर्डर कहाँ है? एडीएम सिटी साहब के आदेश हैं और उसके बावजूद भी जो है वो आदेश को अवहेलना करते हुए एडीएम सिटी साहब के आदेश की और इन्होंने जो है वो वहाँ पे बुलडोजर चलवा दिया जबकि वहाँ पे स्टे करा हुआ है एडीएम सिटी साहब ने। अपने खेतों के ऊपर आए जो धर्मवीर लोधी है वो बेतार गऊ चराई है जमीन और महावरी ला के वहाँ जबरदस्ती और चला दी है और हम गरीब आदमी हैं, हमारी बेटी हैं शादी के योग को और 53 में और 56 में हम रहते हैं और हमें धमकी देता है वो दारू पी के गाय गरों से कहता हमारी बहन बेटियों को और 20 लाख रुपए मांग रहा है, 20 लाख रुपए दे दो जब मैं इसकी बाउंड्री भरने दूंगा। मामला इसमें दो तरफा है, ठीक है। एक प्रकरण में चरागाह की ज़मीन पर पट्टा होने के बाद उसमें शिकायत आई है, शिकायत के बाद कोर्ट में मुकदमा है, हमारे सुनवाई चल रही है उसमें कि गलत तरीके से चरागाह की ज़मीन पे पट्टा हो गया। चरागाह की ज़मीन सुरक्षित श्रेणी की ज़मीन होती है तो उसमें पट्टा नहीं हो सकता। अब उसका मुकदमा लगा है, मैंने स्टे भी किया है, कोर्ट से सुनवाई में है। इसी बीच में पता यह चला कि अभी दूसरे पक्ष के लोग आ जाए हुए थे जिनके नाम से पट्टे हुए हैं, गाँव के ही गरीब लोग हैं। तो इनका ये कहना है कि जो आदमी शिकायत करके इस काम को करा रहे हैं उन्होंने भी गांव में सरकारी ज़मीनें कब्जा करा रखी हैं। तो ये चीज़ आज मेरे संज्ञान में आई है तो मैं SDM को जांच दे रहा हूँ, वो जांच करके आख्या देंगे कि कौन सी सरकारी ज़मीनों पे दूसरे लोगों के कब्जे हैं या इस व्यक्ति का कब्जा है। खबर अलीगढ़ से
करते हैं जहां एक महिला एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं महिला का आरोप है कि उसके नंदोई ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर रेप करने की कोशिश की। किस तरह महिला ने अपनी जान बचाई और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए। मैं अपने घर पे कल शाम को अकेली थी, जिसमें कि अपने कमरे में काम करती थी। पीछे से आके एकदम मेरे नंदेव जोगिंदर, उसका भाई जीतू और एक और लड़का उनके साथ था, वो आके मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। उसके भाई ने जो जीतू है, जोगिंदर के भाई ने, जीतू ने अपने आंटी में से तमंचा निकाला, मेरे मतलब रखा और मेरे को बोला कि अपने कपड़े उतार, ये कर वो कर, मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। फिर इतने थोड़े कपड़े पर उतरवा बदतमीजी, तीनों ने मेरे हाथ पकड़ रखे थे, पर उन्होंने गलत काम करने की कोशिश करी जी, कोशिश करी। इतने में मेरे हस्बैंड जो कि वहाँ थे नहीं, पर अचानक से आ गए बाहर से आवाज़ से, उन्होंने देखा कि गाड़ी खड़ी है, गाड़ी किसकी है, गाड़ी से आए थे, तो आते ही वो चीखने लगे कौन है घर में। तो उन्होंने आवाज़ सुनने के बाद में मेरे को जान से मारने की धमकी दी, मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी, पति को मारने की धमकी दी कि अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो हम तेरे पति को मार देंगे। ये थाना खैर क्षेत्र से एक अपराधी पीड़िता महिला यहाँ पर आज उपस्थित हुई। उसने बताया कि उसके रिश्ते में कुछ लोग लगते हैं, उन्होंने आकर उसके घर पर मारपीट की और अन्य भी आरोप लगाए गए हैं। तो इस संबंध में थाना पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है और वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। खबर अलीगढ़ से है, जहां विद्युत उपकेंद्र पर कार्यरत संविदा कर्मी की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई, जिसकी खबर परिजनों को लगी तो थाने पर जाकर खूब हंगामा काटा। उनका कहना है कि युवक की हत्या की गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि युवक की मौत करंट लगने से हुई है। प्रदर्शन में कुछ किसान संगठन भी शामिल रहे, जिसके बाद दबाव बनाने पर दो अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों का वीडियो बनाकर जांच करने का आदेश दिए हैं। हमारा भाई था लान में सरकारी, उसे सुनौली गांव का अमित नाम का लड़का, वो घर से लगा के लाया है। घर से ला के 20 मिनट बाद उसको उनकी मृत्यु कर दी, रोड पर डाल दिया मार के। थाने में हमने कार्रवाई करी है तो थाने में उसके लिए पैसा भर दिया। हमारी लाश से आप तस्वीर देख सकते हैं, हमारी लाश रोड पर पड़ी है, अभी कोई सुनवाई ना कल से। पोस्टमार्टम हो गया? हो गया। आप लोगों ने जाम लगा रखा है? जाम लगा रहे, यही लगा रखा, कोई सुनवाई नहीं हमारी, कहाँ पर जाए फिर बताओ। ये लग रहा है कि तीनों आरोपी है, कहाँ है यहाँ पे, अब मतलब गिरफ्तार होने चाहिए हमारे। कौन कौन है आरोपी? अब अमित और विनोद, ब्रजेश। कहाँ के रहने वाले हैं? नौली के तीनों। कल मुकेश नाम के एक व्यक्ति की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। उसका हमने पोस्टमार्टम कराया था, जिसमें मृत्यु का कारण करंट आया था, करंट लगने से मृत्यु हुई थी, कार्डिक अरेस्ट हुआ था। तो उसके विरोध में कि परिजनों का आरोप था कि इसकी हत्या हुई है, पुलिस मुकदमा लिख के जांच कर रही है। खबर कन्नौज से है, जहां सदर सीट से विधायक पूर्व कमिश्नर असीम अरुड़ के काफिले का मानीमऊ, बेहटा, ठठिया, तिरवा कस्बे में जगह जगह पर स्वागत किया गया। इसके बाद तहसील पहुंचे राज्य मंत्री का, वकीलों ने स्वागत किया। इस मौके पर असीम अरुण ने कहा कि कन्नौज की तीनों सीटें जीतने पर जनता का आभार जताते हुए कहा कि सरकार ने मुझे समाज कल्याण का मंत्री बनाया है, विभाग से सभी भ्रष्टाचार खत्म कर जो पात्र व्यक्ति है उसे योजना का लाभ दिया जाएगा। योगी जी ने कन्नौज का सम्मान बढ़ाते हुए मुझको और पूरे कन्नौज को एक जिम्मेदारी दी है कि समाज कल्याण विभाग को संभाला जाए। समाज कल्याण विभाग में समझता हूँ अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है और सबकी मदद करने का, सहायता करने का विभाग है। ये मेरा परम सौभाग्य है और मैं कन्नौज के भी सभी लोगों से अनुरोध करूँगा, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी हम कन्नौज में हैं तो कन्नौज की बात करें। कन्नौज में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, जिसकी पात्रता है किसी भी स्कीम की, वो छूटना नहीं चाहिए और हम लोग मिल करके उनकी मदद करें। अगर आपको कहीं भी कोई ऐसे व्यक्ति देख रहे हैं जिनकी पात्रता है और उनको समाज कल्याण की और कोई मदद नहीं मिल पा रही है, तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076-1076 नंबर डायल करें, उससे हम लोग को जानकारी हो जाएगी और हम उनकी मदद कर पाएंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर 24 मार्च से उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। वहीं 29 को
दूसरे चरण की परीक्षा थी। परीक्षा शुरू होने से कुछ देर पहले ही अचानक पेपर लीक होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। पेपर लीक होने की सूचना पर विद्यालय प्रशासन ने छात्रों को गेट पर ही रोक दिया। छात्रों की वापसी के दौरान उनमें काफी आक्रोश देखा गया। राहुल गौतम, क्लास 12, धर्म समाज इंटर कॉलेज। सर, हमारा इंग्लिश का पेपर था, स्कूल वालों ने यूँ कह दिया कि आपसे अनुरोध करके ये विनती करते हैं, आपका इंग्लिश का पेपर लीक हो चुका है। हमने दिन रात मेहनत करी थी इस पेपर के लिए, हम पढ़े भी थे रात रात भर करके। अब यूँ कह रहे हैं पेपर के द्वारा आपको स्कीम के द्वारा बताई जाएगी, स्कूल वालों से पता चलेगी। अब बताए हम कैसे करें सर, हमारी पूरी साल तो बर्बाद हो गई। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली के सरेनी पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्मारक में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद स्वतंत्र प्रभार मंत्री शहीद जूनियर स्कूल के मैदान पहुंचे, जहां क्षेत्र के प्रधान और BDC मेंबरों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की बदौलत ही वो आज मंत्री जैसे उच्च पद पर पहुंचे हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से चुनाव में समर्थन किए जाने की भी जोरदार अपील की। भगवान सोलेश्वर के पावन धरा को सबसे पहले प्रणाम करता हूं, उनकी कृपा सरेनी रायबरेली वासियों पर हमेशा बनी रहे इसकी प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने रायबरेली जनपद के विकास की जिम्मेदारी रायबरेली जनपद के विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए दिनेश सिंह जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को उपयुक्त मानते हुए जिम्मेदारी दी है। मैं भरोसा दिलाता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कि दिनेश सिंह हर वो काम करेगा जिससे पार्टी का सम्मान बढ़े, जिससे सरकार का सम्मान बढ़े, जिससे दो तिहाई बहुमत से उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार बनाई है, उस जनता की कसौटी पर हमारी सरकार और हम सब मिलकर के खड़े उतर सकें। दिनेश सिंह हर वो काम करेगा जिससे पार्टी का सम्मान बढ़े। पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 1 अप्रैल को गोरा बाजार स्थित केंद्रीय विद्यालय में होगा, इसका सजीव प्रसारण किया जाना है। आपको बताते चले कि केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य संजीव अग्रवाल ने इस कार्यक्रम के जरिए 45 स्मार्ट कक्षाओं में स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर के जरिए सीधे विद्यार्थियों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। पीएम चर्चा के माध्यम से छात्र का भय, तनाव, आशंका का समाधान करेंगे। को प्रातः 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विद्यार्थियों के लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विद्यालय की तैयारियों के बारे में जानकारी के लिए हमने इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। विद्यालय में एप्पल आईपैड के द्वारा, एप्पल टीवी के द्वारा, प्रोजेक्टर्स के द्वारा और डेस्कटॉप के द्वारा विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। इस अवसर पर हमारे विद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थी और उनके अभिभावक बंधु भी साथ में आमंत्रित हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।